हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रामनाथ। मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक एटीएम है अपने पास एसबीआई का नॉर्मल, ठीक है, और एक एटीएम है अपने पास प्रधानमंत्री जनधन योजना का डेबिट कार्ड। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोनों डेबिट कार्ड हैं। तो दोनों के बीच दोस्तों क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है, तो वह दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अपन इसको रख देते हैं। पहले अपन ये जनधन वाला रख देते हैं, उसके बाद अपन यहाँ पे रख देते हैं ये वाला नॉर्मल वाला, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अंतर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले अपन देख लेते हैं इनमें क्या अंतर है। कलर थोड़ा सा अंतर, इसका ब्राउन है, इसका अपना ब्लैक है। तो इससे दोस्तों कलर से कोई दिक्कत नहीं होती है, कलर तो कोई सा भी चलता है ना। तो अब इस देख लेते हैं इसमें दोस्तों ईएमआई। यहाँ पे एक चिप लगी हुई है, ये देखिए, तो यहाँ पे एक चिप लगी हुई है। और अपना ये नॉर्मल वाला डेबिट कार्ड है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ भी एक ये चिप लगी हुई है। तो दोनों डेबिट कार्ड में ये ईएमआई चिप लगी हुई है, तो दोनों ही इसमें सेम है, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एसबीआई इन टच डेबिट कार्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना डेबिट कार्ड, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला है, ठीक है, और ये दोस्तों एसबीआई इन टच है। ओके, दोनों में आप देख सकते हैं जो बैंक हैं दोनों में ही एसबीआई लिखा हुआ है। यहाँ भी एसबीआई है और यहाँ भी दोस्तों एसबीआई, ठीक है। नंबर सब सेम है। नेटवर्क है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रुपी का नेटवर्क आता है और यहाँ मास्टर कार्ड का नेटवर्क आता है। तो इसमें दोस्तों काफ़ी डिफरेंस होता है। ये दोस्तों अपना यहाँ इंडिया में चलता है, सिर्फ इंडिया में ही चलेगा ये नेटवर्क। और ये वाला जो होता है मास्टर कार्ड, ये इंटरनेशनल नेटवर्क है, तो ये अपन भारत के बाहर भी यानी कि इसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाहर भी चलता है और ये सिर्फ दोस्तों इंडिया में ही चलता है। ओके, अब दोस्तों हम यहाँ पे और जानकारी देख लेते हैं। तो हमारे जितने भी यानी कि जो यूजर हैं, अधिकतर दोस्तों उनके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना डेबिट कार्ड ही होता है ना, नॉर्मल नहीं होता है। क्योंकि ये वाला यदि अकाउंट आप ओपन कराएंगे तो हमारे हिसाब से दोस्तों कम से कम आपको 1,000 रुपया यानी कि आपके अकाउंट में रखना पड़ेगा, है ना। और जबकि दोस्तों ये जनधन वाले में आपको ये कुछ पैसा नहीं रखना पड़ता, ये दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, इसमें आपको पैसा नहीं रखना पड़ता। पर इसमें दोस्तों मेंटेनेंस के काज आपके लिए दोस्तों 1,000 रुपये आपको रखना पड़ता है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं अपन। तो इससे दोस्तों मैंने पेमेंट किया है, पैसा निकाला है, तो अपन एक दिन में 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। इसका लिमिट ही दोस्तों 10,000 दी है, इसलिए दोस्तों इसका 10,000 रुपये लिमिट दिया है। क्योंकि इसको अधिकतर यानी कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने यानी कि अकाउंट यानी कि ओपन किया है ना, जिनकी दोस्तों जो आय होती है वह यानी कि कम है, ठीक है, कम है, यानी कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट, इनकी आय कम है, तो उन्हीं लोगों ने यानी कि अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो उन लोगों को यानी कि ज़्यादा पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुश्किल से दोस्तों 500 रुपया, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया ही निकाल पाते हैं, इतना पैसा 10,000 से ऊपर नहीं निकाल पाते। इसलिए इसका जो लिमिट है एक दिन का दोस्तों 10,000 रुपये रखा है सरकार ने। पर दोस्तों ये वाला अपन देख लेते हैं, ये डेबिट कार्ड ऐसा है कि इस डेबिट कार्ड से आप एक दिन में यानी कि 50,000 रुपया तक निकाल सकते हैं, यानी कि आप एक दिन में 50,000 रुपया निकाल सकते हैं। तो 50,000 रुपया कैसे निकाल सकते हैं आप, 10-10,000 रुपया करके आप 50,000 रुपया एक दिन में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डेबिट कार्ड उन लोगों के लिए बना है यानी कि जैसे कि आपका जो अकाउंट है और आप जो पैसे वगैरह निकालना चाहते हैं, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे निकाल ले तो आप यहाँ इस एटीएम से निकाल सकते हैं ना। यदि आप ये सुनते होंगे कि मान चलो कोई बिजनेसमैन लोग हैं, है ना, बिजनेसमैन लोग जैसे केवाईसी आता है, केवाईसी आता है तो उसमें 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो कौन सा अकाउंट होता होगा जिसमें आप 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कोई परेशानी नहीं होती है। तो देखिए, ये अपना ये अकाउंट होता है, ये दोस्तों ये क्या होता है, सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है।
तो सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होता है कि आप इतने पैसे तक यानी कि लिमिट कर सकते हैं। इसका है सेविंग अकाउंट जनधन वाला, इसका जो लिमिट है 10,000 का है, ठीक है। और ये नॉर्मल वाला, इसका 50,000 रुपये का लिमिट है एक दिन में। पर यदि आपको ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, आपको 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया इस तरीके से आपको ट्रांसफ़र कर ले, तो उसके लिए दोस्तों आपको एक करेंट अकाउंट यानी कि ओपन कराना पड़ता है। तो करेंट अकाउंट दोस्तों वह लोग ओपन कराते हैं जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस करते हैं, तो वो लोग दोस्तों करेंट अकाउंट यानी कि ओपन कराते हैं। तो करेंट अकाउंट में अपन यानी कि बहुत सारा पैसा भेज सकते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आसानी से आप यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। पर वो दोस्तों अपने लिए नहीं होता है, जो बिजनेस करते हैं वे लोग यानी करेंट अकाउंट ओपन कराते हैं, ठीक है, तो उससे अपन भेज सकते हैं। तो यहाँ से आपको अंतर काफ़ी यानी कि पता चला है, ठीक है। अब दोस्तों अपन यहाँ पे देख लेते हैं पेमेंट वगैरह ना। जैसे कि अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आराम से, यदि आप शॉपिंग भी करते हैं तो आप इंडिया के अंदर ही करते हैं शॉपिंग, आप इंडिया के बाहर तो शॉपिंग वगैरह करते नहीं हैं, तो आप इंडिया के अंदर आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। पर दोस्तों क्या है कि अपन को शॉपिंग तो करना है, यदि आपको क्रिप्टो करेंसी यानी कि बाय करना है, ठीक है, यदि कुछ कॉइन क्रिप्टो करेंसी बाय करना है, तो उसके लिए दोस्तों क्या होता है, अपन को वीजा या मास्टर कार्ड की ज़रूरत पड़ती है जिससे इंटरनेशनल पेमेंट हो सके। तो उसके लिए दोस्तों ये डेबिट कार्ड यानी कि काफ़ी अच्छा डेबिट कार्ड है, इससे अपन यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो भी इंटरनेशनल। इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए दोस्तों आप नेट बैंक से आपको इंटरनेशनल पेमेंट है उसको यानी कि ऑन करना पड़ता है, उसके बाद यदि आप इससे इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं आसानी से। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई जैसा, ठीक है, ये वाईफाई जैसा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये पेमेंट होती है, ये कार्डलेस पेमेंट होती है। अब कार्डलेस पेमेंट किसको कहते हैं, जैसे कि आप दोस्तों पेमेंट करते हैं ना, तो आपने कोई सी भी पेमेंट किया, आप शॉप का यानी कहीं भी जा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यदि आप पेमेंट करें तो पेमेंट के लिए मशीन आता है, ठीक है, आप स्वैप करेंगे और अपना पिन डालेंगे और पेमेंट हो जाएगा। पर दोस्तों कार्डलेस पेमेंट वह पेमेंट कहलाता है ना, आप दोस्तों इसको मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे ना, दोस्तों आप कोई पिन डालें, कुछ नहीं डालेंगे आप, यानी कि आप डेबिट कार्ड है यानी कि मशीन होती है, आप इसमें ऐसा स्वैप करेंगे, है ना, ऊपर से ही आप ऐसा यानी कि करेंगे, ठीक है। ये दोस्तों निशान होता है नेटवर्क का, तो ऑटोमेटिक आपके डेबिट कार्ड से पेमेंट कट जाती है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, डेबिट कार्ड को आपको ऐसे घुमाना बस है ऐसे, ठीक है, और ऑटोमेटिक आपकी पेमेंट कट जाती है। तो इसको बोलते हैं अपन कार्डलेस पेमेंट, जिससे यानी कि ना अपन को इसको मशीन के साथ यानी कि टच करना है, ना अपन को OTP डालना, कुछ नहीं डालना, ऑटोमेटिक पेमेंट कट जाती है, क्योंकि ये कार्डलेस आप देख सकते हैं वाईफाई का ये निशान लगा, नेटवर्क के द्वारा आपका पेमेंट यानी कि कट जाता है। तो इसका भी दोस्तों लिमिट होता है आपका, यानी कि पहले जो लिमिट था दोस्तों करीब 2,000 रुपये लिमिट था, लेकिन सरकार ने दोस्तों अब 5,000 रुपये कर दिया है, ठीक है, तो 5,000 रुपये आप कार्डलेस पेमेंट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी अंतर था अपना जो प्रधानमंत्री जनधन वाला डेबिट कार्ड और ये वाला डेबिट कार्ड में, ये अंतर आपने देख लिए और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। और कोई दूसरा अंतर वगैरह यदि आपको ऐसा लगे कि मैं बता नहीं पाया हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर कहिएगा, ठीक है, तो आपको मैं बता दूंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और दोस्तों आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।